हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान गौरव यात्रा। 84 के रास्ते डूंगरपुर पहुंचा वसुंधरा का काफिला। धम्बौल की सभा में 145 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ। राजस्थान गौरव यात्रा के तीसरे दिन की शुरुआत मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार को डूंगरपुर से की। यहां उन्होंने विभिन्न जगहों पर जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर सीएम ने डूंगरपुर को 145 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। सीएम के डूंगरपुर दौरे पर पहले दिन धम्बौल, सागवाड़ और गाड़ी में आम सभा प्रस्तावित है। सीएम की रथ यात्रा को देखने लोग छतों पर उमड़ पड़े। सीएम के साथ भाजपा अध्यक्ष मदनलाल सैनी, गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री धन सिंह समेत बांसवाड़ा की सभी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक भी साथ रहे। धम्बौल की सभा में सीएम ने वागड़ के लोगों से कहा कि पिछली बार जिताया तो हर तबके का विकास किया, अब अगले चुनाव में भाजपा को वोट दोगे तो प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी। सीएम के संबोधन के बीच बीच में राज और मोदी के साथ गुरु गोविंद नाना भाई और काली भाई के जयकारे लगे। मुख्यमंत्री की यात्रा सोमवार सवेरे 10 बजे 84 विधानसभा क्षेत्र की सीमा पर पहुंची, जहां 1000 बाइक पर सवार भाजपा कार्यकर्ता ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद जनसभा से पहले मुख्यमंत्री राजे ने साधु संतों का आशीर्वाद लिया। वागड़ संत गोविंद गुरु जन्मस्थली मड़ी मगरी धाम बासिया गादिप्ति मानसिंह महाराज, लसूड़िया धाम के विक्रम महाराज, सुराता धाम के रत्नागर महाराज आदि का आशीर्वाद लिया। इस दौरान सड़कों और छतों पर लोगों का हुजूम लग गया। धम्बौल में सभा से ही सीएम ने डूंगरपुर के लिए 145 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी, जिसमें कालूसर में एनिकट निर्माण, संगमेश्वर में हाई लेवल के पुल निर्माण, स्कूल और चिकित्सा क्षेत्र की बड़ी घोषणाएं की। धम्बौल की सभा में सभा स्थल पर आदिवासियों से भावनात्मक जुड़ाव के लिए वागड़ के महान सपूत गोविंद गुरु, नाना भाई खाट और काली भाई के तस्वीरें लगाई गई। धम्बौल की सभा के बाद सीएम सांगवाड़ व गाड़ी पहुंची, जहां रास्ते में कई जगह सीएम का जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। सीएम अपने डूंगरपुर यात्रा के दौरान 3 दिन में 5 विधानसभा क्षेत्रों में रथ यात्रा लेकर जाएंगे। इस दौरान 4 आम सभाएं रखी गई हैं। 3 दिन में सीएम का 25 जगह स्वागत कार्यक्रम भी है। डूंगरपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।